अगली खबर आ रही है कानपुर देहात से, जहां दरोगा अनूप सिंह की आत्महत्या मामले में फजलगंज थाने में तैनात महिला सिपाही पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद महिला सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। बताया जाता है कि अनूप सिंह और महिला सिपाही के बीच प्रेम प्रसंग था। महिला सिपाही पर ब्लैकमेल करने के गंभीर आरोप भी लगे हैं। ब्लैकमेलिंग के चलते दरोगा अनूप सिंह ने जहर खा लिया था, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अनूप सिंह की पत्नी की तहरीर पर महिला सिपाही के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। यह प्रकरण अनूप सिंह के आत्महत्या से संबंधित है और उसमें हम विवेचना कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने एक मुकदमा भी दिया है, हमने उस मुकदमे को दर्ज किया है। इस बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी सामाजिक माध्यमों में देखी गई जो कि एक पुलिसकर्मी के लिए एक अनुशासित बल के सिपाही के लिए, हम सभी के लिए अनबिकमिंग बिहेवियर जैसा दिखता है और हमें ऐसा लगता है कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो पुलिस कमिश्नरेट ने निर्णय लेते हुए एक तो निलंबित कर दिया है महिला आरक्षी को और दूसरा हमने परिवार के लोगों द्वारा दिए गए मुकदमे को दर्ज किया है और उसमें विधि सम्मत जो कार्यवाही है वो की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसा कोई रिकरेंस दोबारा ना हो और ऐसी चीज़ें फिर हमें देखने को ना मिले। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।